रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, लापरवाही में इंस्पेक्टर और एसओजी प्रभारी सस्पेंड। लखीमपुर में नाबालिग बच्चियों की हत्या, एसपी बोले 6 आरोपी गिरफ्तार, जुनैद को एनकाउंटर में लगी गोली। आगरा में बेल्जियम के पर्यटक से लूट का मामला निकला, फर्जी लूट की सूचना देने वाला नकली गोवा का युवक। उन्नाव में 5 महीने से नहीं आया गौशालाओं में चारे का पैसा, प्रधान बोले जैसे तैसे हो रहा इंतजाम, दुकानदारों से भूसा देना मन बंद किया। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, चालक की मौत, करनाल की एक फैक्ट्री में काम करता था मृतक युवक। शामली में कराना और कांदला एटीएस की छापेमारी में 2 युवक, घंटों पूछताछ, दुकानदार को साथ लेकर लखनऊ बार रवाना। भदोही में युवक के ऊपर से गुजर गई ट्रेन, ट्रेन में चढ़ते समय फिसलकर बीच में ट्रैक पर गिरा, बाल बाल बची जान। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन, चामुंडा मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग, पुलिस पर लगाया आरोप। मेरठ में डॉक्टर पर एफआईआर, प्रकरण में आईएमए ने उठाए सवाल, 12 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें करने का आरोप। उन्नाव दौरे पर पहुंचे प्रदेश के 3 मंत्री, एसपी को पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया गया अल्टीमेट। विंध्याचल में पहाड़ काटकर किया गया अतिक्रमण, कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र के आदेश के बावजूद दबंगों का हौसले बुलंद। उन्नाव में रंगदारी ना देने पर प्रॉपर्टी डीलर को पीटा, ऑफिस में दबंगों ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा में हार्ट अटैक से दरोगा की मौत, गश्त के दौरान अचानक सांस लेने में हुई थी दिक्कत। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, रास्तों में कीचड़ और भारी जलभराव, संक्रमण बीमारियों का बड़ा खतरा। जौनपुर में 1892 प्राथमिक पाठशाला पर पोलियो बूथ बनेंगे, 6.3 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य। लखनऊ में अवैध निर्माण पर शासन ने एलडी अफसरों को किया तलब, बसपा सांसद ने बिना एनओसी तैयार कर लिया था 5 मंजिला इमारत। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, एसएसबी और वन विभाग की टीम करेगी पेट्रोलिंग। बच्चों को मारने वाली शिक्षिका की हुई शिकायत, प्रयागराज के उच्च प्राथमिक विद्यालय दादूपुर का है मामला। शराब की लत पूरी करने के लिए बने चोर, शाहजहांपुर की दुकान में ताले तोड़े, जींस और शर्ट चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत सड़क हादसे में 1 की मौत, नेशनल हाईवे पर 730 पर अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस, 7 लोग घायल।
भदोही में कपड़े की दुकान पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 घंटे मशक्कत कर आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में संदीपन नामक घाट बनेगा नया थाना, 48 गांव समेत हाईवे की सुरक्षा का होगा जिम्मा, काजीपुर में हुई भूमि चिन्हित। बिजनौर में 46 दरोगा के कार क्षेत्र में फेरबदल, दरोगा धनवान सिंह को चौकी सराय का प्रभार। चित्रकूट न्यायालय ने ओम बाबा को किया तलब, जमीन के मामले में 4 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने ओम बाबा। ललितपुर में टापू पर फंसे 5 को सुरक्षित निकाला, एनडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे चलाया रेस्क्यू। लखीमपुर में नाबालिग बच्चियों की हत्या, मां बोली रेप के बाद मार डाला, एसपी बोले 6 आरोपी गिरफ्तार, लड़कियां मर्जी से गई थी। यूपी के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ कानपुर में रात से बरस रहा है पानी, कानपुर में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसे में 4 की मौत, 30 घायल, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रक टाली में हुई थी जमकर भारी टक्कर। बिजनौर में विवाहिता का फांसी से लटका हुआ मिला शव, मायके पक्ष के दहेज प्रथा का लगाया गया आरोप। मेरठ में व्यापारी की चलती कार में लगी आग, दिल्ली से वापस कर घर जा रहे थे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा, कार से कूदकर बचाई जान। अलीगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शुरू हुआ अभियान, 15 से 30 सितंबर तक चलेगा ये अभियान। लखीमपुर खीरी में युवक ने खुद को राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी पहुंचे नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघटिया, नोडल अधिकारी को डीएम और एसडीओ ने पुष्प देकर किया स्वागत। अलीगढ़ में पानी की टंकी से पीते हैं रागीर और मवेशी पानी, उसको हटवाने के लिए दबंग देते हैं धमकी। मथुरा में जीआरपी पुलिस ने ताजा गांजा तस्करी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए तस्कर उड़ीसा से लाते थे गांजा। अलीगढ़ में मकान के विवाद में महिला को बेरहमी से पीटा, पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बलिया में गड्ढा मुक्त सड़कें बने जानलेवा, गड्ढे में ई रिक्शा पलटने से बाल बाल बच्चे बुजुर्ग, तस्वीरें कैमरे में कैद। बिजनौर में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों के सर्वे शुरू, सर्वे के दौरान मदरसे कई खामियां देखने को मिली। बुलंदशहर में झोला छाप डॉक्टरों की करतूत से परेशान महिला ने एसएसपी से की शिकायत, एसएसपी ने कार्रवाई के दिए निर्देश। फरुखाबाद में नाली निर्माण की गुणवत्ता को लेकर नगर निगम पे उठा सवाल, विकास मंच अध्यक्ष ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बिजनौर में दूसरे दिन भी सरकार के 3 कद्दावर मंत्रियों का दौरा जारी, मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों का किया गया निरीक्षण।
गाजीपुर पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री समीर तोमर, जिले के कई विद्युत उपकरणों का किया निरीक्षण, अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गाजियाबाद में तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा ने साहिबाबाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोंडा में करंट लगने से किशोर की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन, बोले यूपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी यह सुविधा। हमीरपुर में स्कूल से लौट रही दसवीं की छात्रा की हुई मौत, पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर प्रकरण में नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय संयोजक अमित जानी की प्रक्रिया, कहा पीड़ित परिवार की करेंगे आर्थिक मदद। मथुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में कॉलेज टीचर और मासूम छात्र के बीच झूठे मनाने का वीडियो हुआ वायरल, छात्रों को मनाने के लिए टीचर ने निकाला नया तरीका। बाहुबली अतीक की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, लखनऊ में एक मकान और प्रयागराज में दो जमीन पर हुई कार्रवाई। शाहजहांपुर में रामलीला कमेटी के मैदान का किया स्थलीय निरीक्षण, 23 सितंबर को शुरू होगा भव्य रामलीला मेला। संभल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 10 क्विंटल मेथी दाना पकड़ा, माल जब्त कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना में पाई सफलता, घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीतापुर में बाल ब्लॉक प्रमुख कार समिति की गई बैठक, बैठक में समस्त अधिकारियों को योजना की दी गई जानकारी। सोनभद्र में आश्रम का केयर टेकर 18 बच्चों को लेकर हुआ फरार, 15 घंटे बाद पुलिस ने जंगल से किया बरामद। महाराजगंज में सरकार के आदेश पर मदरसों की जांच जारी, जांच टीम को मिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी रहे शामिल। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या पहुंचा लता मंगेशकर, चौराहे पर लगने वाली वीणा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का चित्र श्रद्धालुओं के लिए होगा आकर्षण। रामपुर पहुंचे कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल से मिलने की ये उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अमेठी में दुकानदार से दबंगों से पैसा मांगना पड़ा भारी, दबंगों ने दुकानदार को जान से मारने की दी धमकी। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक कुमारी लगाई आग, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गुना में डीसीएम की चपेट में आने पर युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने
डीसीएम को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। हमीरपुर में 3 दुकानों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, आग लगने से दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ में 2 गौकशी और गौ तस्करी गिरफ्तार। गोंडा में पश्ता की जिला महिला अस्पताल में मौत, मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया तोड़फोड़, काटा हंगामा। कानपुर में इंटरसिटी ट्रेन पर टूटकर गिरी ओएचई लाइन, 1 घंटे बाधित रहा लखनऊ का रेल रूट, यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। लखनऊ में चौक स्थित एरा मेडिकल सेंटर किया गया सीज, रुपए बकाए होने पर की गई कार्रवाई। कानपुर में छात्रा को शिक्षिका ने जमकर पीटा, मामूली बात पर शिक्षिका ने जमकर चलाया थप्पड़, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। लखनऊ में डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल का किया निरीक्षण, इस दौरान डॉक्टरों और मरीजों को देखने के लिए दिए निर्देश। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में 2 गाड़ियों के बदमाशों ने गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, पूरी घटना कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। मुख्तार अंसारी को पहली बार बांदा जेल से लाया गया मऊ, राम सिंह मौर्य हत्याकांड के गैंगस्टर के मामले में अदालत में हुई पेशी। अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, टीम ने रिश्वतखोर एसएसआई को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 2 घायल, अनियंत्रित पिकअप ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।